हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए काफी रस्सा कस्सी के बाद कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी। सुक्खू आज हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ प्रतिभा सिंह खेमे के मुकेश अग्निहोत्री भी दोपहर 1:30 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शिमला के रिज मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान के बंदी से सुबह करीब 10:30 बजे निकलेंगे। सूत्रों की माने तो वे शाम 4 बजे राजस्थान में ही यात्रा में फिर से शामिल होंगे। वही सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम के ऐलान के बाद उन्होंने कहा कि प्रतिभा गुट का नकारा नहीं जाएगा और हिमाचल में कोई गुट नहीं है, मैंने कोई लंबिंग नहीं की, मैं एक स्टूडेंट लीडर से यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और प्रियंका गांधी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के इलेक्शन की कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन और 5 बार के विधायक हैं। कहा जा रहा है कि सुक्खू को ज्यादातर विधायकों का समर्थन था। इससे पहले शुक्रवार को विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें विधायकों ने पार्टी हाईकमान को फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया था। और इस खबर पे अधिक जानकारी साझा करने के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जुड़ गई हैं। टीना जी, जैसा कि आपने देखा कि कल तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लग गई और आज सुक्खू शपथ भी लेने वाले हैं, तो क्या रहा ये प्रोसेस टीना ठाकुर? जी बिल्कुल, कांग्रेस ने पहली बार, अगर आप इसको बारीकी से देखें तो इसका विश्लेषण यही है कि कांग्रेस ने एक संदेश देने की यहाँ से कोशिश की है कि अब परिवारवाद और राजनीति में जो एक आरोप कांग्रेस में लगता रहा था उसको हिमाचल से वो खत्म करने जा रही है। और यहाँ पे जो एक बिल्कुल NSUI और यूथ कांग्रेस से और संगठन में अपनी सेवाएं देने के, क्योंकि अगर आप सुखविंदर सिंह सुक्खू का इतिहास देखें, सत्ता का अनुभव उन्हें नहीं है लेकिन संगठन का अनुभव उन्हें काफी लंबा है, तो ऐसे में संगठन हावी पड़ा है और संगठन ने अपना जो चलाई है और सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ पे चीफ बनाया है। ऐसा पहली बार हिमाचल में हुआ है कि जो सत्ता, जो कांग्रेस का हाईकमान है या कांग्रेस का संगठन है, वो किसी जो सत्ता का डिसीजन था वो लेने में कामयाब भी रहा और सफल भी रहा है। जी टीना ठाकुर जी, कैसे वीरभद्र के परिवार को मनाया गया और वीरभद्र खेमे से जो मुकेश अग्निहोत्री हैं उनको डिप्टी सीएम के तौर पर चुना गया है? जी बिल्कुल, जब सीएम चेहरे पर ये मंथन चल रहा था, माथा पच्ची हो रही थी, उस वक्त प्रतिभा सिंह ने असहमति जता दी थी सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर। उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे किया था, 5 बार वो जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं, तो ऐसे में माना जा रहा था कि उनको सत्ता का अनुभव काफी है, मंत्री वो पद पर रह चुके हैं, तो ऐसे में उनको तरजीह दी जा सकती है। लेकिन संगठन अगर आप ये बोले कि सत्ता पे हावी रही तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। हालांकि बाद में प्रतिभा सिंह को मनाया गया, उनके लोगों को मनाया गया और इस बात पर सहमति जताई गई कि उनके गुट से जो मुकेश अग्निहोत्री है उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए और उसके अलावा जो विक्रमादित्य सिंह है उनको भी एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाए। तो अभी फिलहाल डिप्टी सीएम बना लिए गए हैं मुकेश अग्निहोत्री, लेकिन अब देखने वाली बात है कि विक्रमादित्य सिंह को सरकार में एडजस्ट किया जाएगा या नहीं। टीना ठाकुर जी, आपने देखा कि हिमाचल में परिवारवाद को साइड करके कॉमन मैन को ताज सौंपा गया, तो अब कैबिनेट में वीरभद्र परिवार की क्या भूमिका रहने वाली? जी बिल्कुल, आपने सही बोला, लेकिन अब भूमिका यही है देखने वाली कि डिप्टी सीएम तो आपके खेमे से बना लिया गया है, लेकिन अब विक्रमादित्य सिंह के ऊपर जिस तरह से पेच फंसा हुआ था और लोग चाह रहे थे कि उनको मंत्री पद दिया जाए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कैबिनेट में क्या वीरभद्र सिंह परिवार से विक्रमादित्य सिंह को इस कैबिनेट में जगह मिल पाती है या नहीं, ये बड़ी बात देखने वाली होगी। क्योंकि लगातार समर्थकों में एक मायूसी प्रतिभा सिंह के गुट से देखी जा रही है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि प्रतिभा सिंह को सीएम बनाया जाए और उसके अलावा टीका जो विक्रमादित्य सिंह है उनको
मंत्री का चेहरा यहाँ पे बनाया जाए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रतिभा सिंह को तो मना लिया गया है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह को किस तरह सरकार में एडजस्ट किया जा सकता है, ये बड़ी बात देखने वाली होगी। क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पहले से ही एक वो छाप लगी हुई है कि वो वीरभद्र सिंह विरोधी रहे हैं, वीरभद्र सिंह के साथ वो नहीं कभी नहीं चले हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी उनके परिवार से वो किस तरह लोग, जो विक्रमादित्य सिंह है शिमला ग्रामीण से दूसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे, उनको किस तरह सरकार में अपने साथ वो एडजस्ट कर पाते हैं। जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि वीरभद्र परिवार कहता रहा है कि हिमाचल में वोट वीरभद्र सिंह के नाम पर पड़े हैं, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? जी बिल्कुल, इसमें कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब आप उपचुनाव भी लड़े और आपने ये विधानसभा का मेन चुनाव भी लड़ा है, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरे चुनाव का चेहरा आपने मुख्यमंत्री जो दिवंगत आपके नेता हैं, बड़े नेता थे वीरभद्र सिंह, उनको बनाया और एक सहानुभूति लहर हिमाचल में चलाने की कोशिश की। उनके काम पर वोट मांगा, उनके नाम पर वोट मांगा गया था, उनके परिवार से प्रतिभा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष इसीलिए बनाया गया था, उनको सम्मान सौंपी गई थी कि कांग्रेस को एकजुट करके हिमाचल में जो सत्ता है उसमें वापसी वो करवाए, और उसमें वो सफल भी रही। लेकिन अगर हम संगठन की बात करें, संगठन में दबदबा सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहा है, 18 विधायकों को उन्होंने टिकट बांटे थे। अगर आप कुछ एक सीट का विश्लेषण करें, जैसे आप नाहन से अजय सोलंकी जीत कर पहुंचे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू के धड़े के माने जाते हैं, नाहन से एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है, राजीव बिंदल को उन्होंने हराया। दूसरी तरफ कुटलेहड़ आप देखें, कुटलेहड़ में 32 साल बाद कांग्रेस को परचम वापिस मिला है, कांग्रेस को वहां पे सीट मिल पाई है, भाजपा का वो तिलिस्म तोड़ पाई है वहां पे, दविंदर सिंह भुट्टो वहां से जीत कर पहुंचे, उनको भी जो है सुखविंदर सिंह भुट्टू का की गुट का माना जाता है। तो आप देखिए कुछ एक सीट में जहां पे कभी भी भाजपा अच्छा नहीं कर पा रही थी, कांग्रेस अच्छी नहीं कर पा रही थी, वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। हमीरपुर में आप देखिए जहां से सुखविंदर सिंह सुक्खू आते हैं, पांचों सीटों पर जो सूपड़ा है उन्होंने साफ किया है भाजपा का। तो ऐसे में आप देखिए काफी चीजें उनकी नोट की गई है, काफी चीजों का विश्लेषण कांग्रेस पार्टी ने भी किया है कि उसी आधार पर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने बनाया है। टीना ठाकुर जी, आपसे आखिरी सवाल, आज शपथ कौन कौन लेने वाले हैं और मंत्रालय विस्तार की संभावना कब है? जी देखिए, फिलहाल तो अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, क्योंकि कैबिनेट की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक हमें नहीं मिल पाई है कि कैबिनेट के कोई मंत्री आज शपथ लेंगे या नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम जो है मुकेश अग्निहोत्री वो आज शपथ लेंगे। और उसके अलावा विस्तार कब तक हो पाता है ये भी आज दोपहर तक साफ हो जाएगी स्थिति कि यहाँ पे किन लोगों को कैबिनेट में दर्जा मिल पाता है, कैबिनेट में स्थान मिल पाता है और कब तक कैबिनेट का विस्तार संभव है। फिलहाल अभी तो हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से तो सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम आज शपथ लेंगे, और हो सकता है कि कुछ मंत्री जो निर्विरोध हो, कि जहाँ पे जो अपने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बिठा कर कुछ मंत्रियों को, जैसे आप चंबा से माने कि कुलदीप सिंह पठानिया का तय माना जा रहा है, सिंगौर से हर्षवर्धन जो चौहान है उनका तय माना जा रहा है मंत्री पद पर आना। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ मंत्रियों की पद की शपथ आज करवाई जाए, कुछ का विस्तार बाद में किया जाए। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।